आज मैं आपको अपने वेबसाइट का एग्जांपल देकर बताऊंगा कि आप किसी भी वेबसाइट से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और आप बिना इस्तेमाल किए एडसेंस का या फिर एफिलिएट मार्केटिंग का बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। बेसिकली यूट्यूब पे आपको बताया जाता है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग करिए या एडसेंस का ऐड लगाइए, बट मैं आपको इसके अलावा तरीका बताता हूँ कि आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे नीचे कॉमेंट्स आए हैं कि मेरे पास 1 लाख ट्रैफिक है, 2 लाख ट्रैफिक है मंथली, बट कोई अर्निंग नहीं हो रही है एडसेंस से, या फिर मेरे पास और कोई सोर्स नहीं है। तो मैं आपको बताऊँगा आज कि आप कैसे उस ट्रैफिक का फ़ायदा उठा सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए और आपको आज बहुत सारे तरीके बताने वाला हूँ और ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है? और अगर ये हेल्प करती है वीडियो तो जरूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। बाकी अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला तरीका है लिंक बिल्डिंग का। अभी तो मैं आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ, अब मैं आपको अपने ईमेल पर लेकर चलता हूँ। तो ये मेरा ईमेल आईडी है जो बेसिकली मैं हिंदी भाग के लिए यूज़ करता हूँ। मैं आपको हिंदी भाग का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि हिंदी की वेबसाइट से भी अर्निंग बहुत अच्छी होती है, तो इंग्लिश की वेबसाइट से तो बहुत ही अच्छी अर्निंग होती होगी, ठीक है? चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि आपको यहाँ पे लिंक टाइप करके दिखाता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि गेस्ट पोस्टिंग और इससे रिलेटेड कितना आता है। और अभी आपको बहुत सारे तरीके बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अभी देखिए, जो ये वाला है ना, ये एक अलग चीज़ है और जो ये वाला है वो अलग चीज़ है। मैं आपको बताऊँगा बाद में, अभी इसको भी मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, बट बेसिकली मैं आपको और चीज़ें दिखाने वाला हूँ, ठीक है? अब देख सकते हैं, जो ये वाला है ना, लुकिंग फॉर गेस्ट पोस्ट एंड लिंक इंसर्शन ऑन योर वेबसाइट, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस बंदे ने मेरे को ईमेल किया है, ठीक है? आप ये देख सकते हैं और ये पढ़ सकते हैं बेसिकली। अब मैं अपना वो नहीं दिखाऊंगा आपको जो ईमेल मैंने किया था, ठीक है? बेसिकली आप इसे पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से आपको लिंक पोस्टिंग की अपॉर्चुनिटी आएगी। और मैं अपने हिंदी भाग पर कभी अपॉर्चुनिटी लेता नहीं, ठीक है? हिंदी भाग में मैंने 5 से 6 अपॉर्चुनिटी ली है जो बेसिकली लिंक वाली है। हालांकि स्पॉन्सरशिप बहुत सारी ली है, वो आपको बताऊँगा आगे, बट ये जो लिंक वाली हो मैं लेता नहीं, क्योंकि इससे आपकी वेबसाइट ख़राब होती है। बट यहीं पर आपकी एक चीज़ आती है जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। अगर आपकी मल्टीपल वेबसाइट है, मान लीजिए आप 5-6 वेबसाइट बना चुके हैं, आपका 3-4 ब्लॉग फेल हो चुका है और आपका एक चल रहा है और उससे आपको ये वाले ईमेल्स आते हैं, तो क्या करिए कि अपने जो ईमेल आया है इसको आप रिप्लाई करिए और बोलिए कि मैं आपको 3-4 जो वेबसाइट है मेरी, मैं उस पर जो है लिंक दूंगा, इससे लिंक नहीं दूंगा, ठीक है? और आपको सस्ता ऑफर करिए। मान लीजिए वो ऑफर कर रहा है $100, तो आप कहिए कि मैं $80 में तुमको 4 लिंक दूंगा अलग अलग ब्लॉग से, ठीक है? और DR उसका कम भी होगा तो चलेगा, वो बंदा ही अपॉर्चुनिटी ले लेता है, ठीक है? तो इस तरीके से आप जो है लिंक बिल्डिंग से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और बाकी जो 4 वेबसाइट्स हैं ना, उससे आपकी अर्निंग अच्छी होती रहेगी। तो ये वेबसाइट से तो आप अर्निंग कर ही रहे हैं, तो अपनी आप मेन वेबसाइट से तो अर्निंग कर ही रहे हैं एडसेंस के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, बट आपकी जो और 3-4 वेबसाइट जो ख़राब पड़ी है, आप उसका सहारा लेकर अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है? और ये एग्जांपल मेरे को बहुत बाद में मिला और मैंने बहुत बाद में से इस्तेमाल किया, वरना मेरी अर्निंग बहुत अच्छी खासी होती। और पेपल से पेमेंट होती है तो कोई दिक्कत नहीं, सारी पेमेंट आपको आसानी से मिल जाती है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। जो दूसरा तरीका है उसे कहते हैं गेस्ट पोस्टिंग। हालांकि इसकी तरह ही है, बट गेस्ट पोस्टिंग में थोड़ा अलग सीन हो जाता है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। गेस्ट पोस्टिंग में क्या होता है कि बेसिकली कोई आपको अपनी वेबसाइट का जो है लिंक देने बोलेगा। मान लीजिए हिंदी की कोई दूसरी वेबसाइट है, ठीक है? वो बोलेगा मैं आपके लिए कहानी लिख देता हूँ और कहानी के बदले आप मेरे को लिंक दे दीजिए। हालांकि ये वाली चीज़ मैंने आज तक कभी करी नहीं हिंदी भाग पे, मैंने और वेबसाइट्स पे करी है, बट हिंदी भाग पे इसलिए नहीं करी क्योंकि उससे एक तो मैं चाहता हूँ कंटेंट मेरा ही रहे, कोई दूसरा कंटेंट ना रहे, और दूसरी बात लोग उतना अच्छा लिख नहीं पाते, इस वजह से मैंने कभी गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट नहीं किया हिंदी भाग पे। औरों पे किया है पैसे लेकर, बट इस पे नहीं किया, ठीक है? और मैं करूँगा भी नहीं, इसलिए आप मेरे को मेल मत करिएगा गेस्ट पोस्टिंग का। मेरे को और भी लोगों ने मेल किया था जब वीडियोज़ मेरी वायरल हुई थी, तो हिंदी स्टोरी वाले इसके ऊपर, तो बट मैं अब एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं हिंदी भाग पे एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, ठीक है? हिंदी भाग पे कोई लिंक बिल्डिंग ये सब नहीं करता हूँ, बट स्पॉन्सरशिप ये सब लेता हूँ, ठीक है? तो ये दूसरा तरीका, आप गेस्ट पोस्टिंग से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप ही के निश से रिलेटेड कोई आपको मेल करता है तो आप उसको बोल सकते हैं कि आप मेरे को 2,000 रुपये दो, 2,500 रुपये दो, इस तरीके से, और आप जो है उसे पैसा ले सकते हैं। और उसी के अनुसार, जैसे मान लीजिए 20 DR 30 DR है तो इतना, और 40-50 DR है तो आप 10-10 हज़ार रुपये भी उसे ले सकते हैं एक गेस्ट पोस्ट का, ठीक है? तो इस तरीके से चीज़ें चलती है। अब मैं आपको तीसरा मेथड बताता हूँ। तीसरा मेथड है पुश मोनेटाइजेशन। अब ये चीज़ लोगों को नहीं पता है, एक सेकंड में आपको ये टैब चेंज कर लेता हूँ। तो ये वाला मेथड जो है लोगों को नहीं पता है। बेसिकली मैं फीडीफाई का इस्तेमाल करता हूँ और कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, पहले बता दूँ आपको। आप इसका इस्तेमाल चाहें तो करें, नहीं तो नहीं करें, क्योंकि और भी बहुत सारे नेटवर्क अवेलेबल जिसका आप इस्तेमाल करके अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है? बट मैं आपको इसका दिखा रहा हूँ और ये जुलाई मंथ की अर्निंग है, जो पिछले मंथ की अर्निंग है आप देख सकते हैं। तो ये बैठे बिठाई अर्निंग होती है, मैं अभी उसका इतना इस्तेमाल भी नहीं करता, मैंने बीच में इसको रोक भी दिया था,
क्योंकि मैं और एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था और दूसरे दूसरे वो कर रहा था, क्योंकि गूगल डिस्कवर में मैं काम करता हूँ, तो गूगल डिस्कवर की वजह से मैं दूसरे दूसरी जगह पर ट्रैफिक ले रहा था। तो बट बेसिकली आप देख सकते हैं कि 1415 रुपये की अर्निंग, मतलब लगभग इतनी ही अर्निंग आसानी से हो जाती है, 1500-2000 की अर्निंग हो जाती है, ठीक है। ये बेसिकली ये गिर गया क्योंकि जो है मैंने काम करना बंद कर दिया था, इसको लगाना बंद कर दिया था, तो ये अर्निंग कम कर देते हैं, ठीक है। बट बेसिकली आप अगर आपके पास 1,00,000 का ट्रैफिक मंथली आता है तो आप आसानी से कुछ ये सब लगा के पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली इसके अंदर आप पुश भी भेज सकते हैं और अर्निंग वैसे भी कर सकते हैं, तो डबल ट्रिपल बेनिफिट है। बाकी अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल करें, नहीं तो नहीं करें, आपकी मर्जी है। बट ये साइड में इनकम का एक अच्छा सोर्स है। तो ये तीसरा मेथड था। अब हम बात करते हैं चौथे मेथड की। चौथा मेथड है स्पॉन्सरशिप, ठीक है। अब मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ। अब ये हिंदी बाकी वेबसाइट है, इंग्लिश में तो मैंने बहुत अपॉर्चुनिटीज़ ली हैं और ये वाली बहुत ज़्यादा ये चीज़ करी है स्पॉन्सरशिप वाली, इससे बहुत अच्छी अर्निंग होती है। बट हिंदी में ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है, बट मैं आपको हिंदी का ही दिखा रहा हूँ। अब आप ये देख सकते हैं, ये आर्टिकल मैंने लिखा था, बिल्कुल बिल्कुल स्पॉन्सर था ये, उन्होंने लिख के दिया था सब चीज़। मैंने थोड़ा बहुत फेर बदल किया था और लंबा लिखा था, बड़ा ये देख सकते हैं। ये जो वेबसाइट है, नाम नहीं बोलूँगा, ये वेबसाइट है, इसने मेरे को स्पॉन्सर दिया था, इसके लिए पैसा दिया था, मैंने बाद में लिंक हटा दिया था, ठीक है। 1 साल का वो होता है और उसके बाद मैंने इसे हटा दिया था। इस तरीके से आप देख सकते हैं टोटल आर्टिकल, तो ये उन्होंने लिख के दिया था, मैंने थोड़ा बहुत बस इसमें लिखा था, चेंज किया था। बट बेसिकली आप देख सकते हैं इस तरीके से स्पॉन्सर्ड आपको पोस्ट मिलती है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं और आप स्पॉन्सर्ड पोस्ट भी अपनी वेबसाइट पर ले सकते हैं। इससे अर्निंग बहुत अच्छी होती है, बढ़िया पैसा मिल जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप लीजिए और अर्निंग करिए। अब चलिए बात करते हैं पाँचवें मेथड की। तो पांचवा मेथड है लिस्ट मेथड। अब आप देख सकते हैं जो मैंने लिखा है बेस्ट वेब होस्टिंग इन नवंबर 2022, ये मैंने नवंबर 2022 में ही लिखा था और इसमें 10 होस्टिंग का मैंने आपको बताया था कि 10 होस्टिंग बेस्ट कौन सी है इंटरनेट पे, ठीक है। ये मैंने हिंदी में लिखा था, तो ये मेरा फर्स्ट वेबसाइट, तो ये मेरा फर्स्ट पेज पर रैंक कर गया था और शायद चौथे पाँचवें नंबर पर रैंक कर गया था उस समय दिसंबर के टाइम में। तो उस समय मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली थी और मेरे को इसमें से टॉप 10 में से एक, मैं नाम नहीं लूँगा कंपनी का, ठीक है, कंपनी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि जो है उससे फालतू में प्रमोशन हो जाएगा और आप यही सोचोगे कि जो स्पॉन्सर्ड है, इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा। बट इस टॉप 10 में से एक वेबसाइट ने मेरे को पैसे दिए थे टॉप 5 में अपना वो डालने के लिए, तो मैंने इस तरीके से जो है मैं कर दिया था। और मैं जिस तरीके से कर्सर घुमा रहा हूँ आपको भी समझ में आ गया होगा कि मैंने किसका स्पॉन्सर किया होगा, तो मेरे को उससे पैसे मिले थे। तो इस तरीके से आप टॉप 10 लिस्ट बना सकते हैं, टॉप 10 लिस्ट आर्टिकल। जैसे कि मान लीजिए आप कोई एप्लीकेशन प्रमोशन करते हैं अपने वेबसाइट पे, ऐप्स के बारे में रिव्यू देते हैं, तो टॉप 10 ऐप्स के बारे में आप लिखते जाइए कि टॉप 10 ऐप्स इन दिस कैटेगरी, टॉप 10 ऐप्स इन दैट कैटेगरी। इससे आपको जो और एप्लीकेशन वाले हैं उसी कैटेगरी में आपको प्रमोशन के लिए आपको पैसे देंगे कि मेरा टॉप 10 में आप आर्टिकल ले आओ, या टॉप 10 में मेरा नाम दे दो, या टॉप 5 में नाम दे दो, या टॉप 3 में मेरा नाम दे दो, और आपको इसके लिए इतने पैसे मिलेंगे। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं, तो आप इस तरीके से भी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ छठे मेथड के बारे में, और ये बोनस मेथड है। मैं 5 भी बताने वाला था, पर मेरे को करते करते याद आया कि मैं आपको 6 मेथड भी बता देता हूँ। चलिए, तो छठा मेथड है रिव्यू मेथड। अब ये मेरे को जो है मिला था इंग्लिश वाले के लिए, तो आप देख सकते हैं ये इंग्लिश वाले ब्लॉग के लिए मिला था। बट मैं आपको ये है कि हिंदी का बेसिकली अब तक दिखा रहा था, बट ये इंग्लिश का मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप ये समझ सकें कि इंग्लिश के अगर ब्लॉग में है तो आप इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ये इंग्लिश के लिए मेरे को मिला है ना, इसमें डेली का 10 या 20 ही मेरे को विजिटर आता है। मेरा सबसे पिटा हुआ ब्लॉग है जिसके ऊपर ये मेरे को मिला है, इसलिए मैं आपको खुश होकर दिखा रहा हूँ ये वाला कि पिटे हुए ब्लॉग पर भी आपको किस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप फ़ायदा उठा सकते हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने मेरे को वो किया है और ये मेरा जो है ये बनाए $100 की डील बनी है। सोच सकते हैं रिव्यू करना है बस एक उसका एड नेटवर्क का और $100 की डील मेरे को मिल गई। तो इस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे फैला हुआ है इसलिए उसके बारे में बात नहीं करूँगा अभी। ये टॉप 6 मेथड्स मेरे को पता चले जो अभी तक नहीं थे मार्केट में, उसके बारे में पता नहीं था किसी को, या पता भी होगा तो कोई बात नहीं। तो बेसिकली ये मेरे को बताना था आपको, इस तरीके से मैं अर्निंग कर रहा हूँ। हिंदी की वेबसाइट अगर आपकी है और आपके पास ट्रैफिक है तो आप अर्निंग कर सकते हैं, सिर्फ एडसेंस पर डिपेंड मत रहिए या किसी वैसे सोर्स पर डिपेंड मत रहिए, और भी आप अर्निंग के मेथड्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करिएगा। मैं आपको आईडी दिखाया था अपनी, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, टेलीग्राम पे फॉलो करिएगा, वहाँ पे कीवर्ड्स और ये सब की लिस्ट में देता रहता हूँ और बहुत सारी चीज़ें बताता रहता हूँ। और बाकी यूट्यूब पर मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। और बाकी वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।